और चलिए 9 सेकंड की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का आज कश्मीर दौरा, श्रीनगर में 6400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पीएम मोदी का पहला श्रीनगर दौरा, दोपहर 12 बजे के करीब बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, श्रीनगर में भारी भीड़ पहुंचने का किया जा रहा दावा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कोई नहीं जाना चाहता। कर्मचारियों को दी गई कार्रवाई की धमकी। आज बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बांसवाड़ा में राहुल करेंगे जनसभा। आज ही राजस्थान से गुजरात के दाहोद पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एमपी के धार में बोले राहुल गांधी, आदिवासी को वनवासी कहा गया, लेकिन आप वनवासी नहीं देश के असली मालिक। देश के 200 उद्योगपतियों में नहीं मिलेगा एक भी आदिवासी। एमपी के रतलाम में राहुल गांधी ने कहा, ये कैसी जीत जहां हाशिए पर आदिवासी गरीब। लगता है मौजूदा सरकार में देश की 10% जनता का जश्न मनाया जा रहा, दलितों का जश्न नहीं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राहुल को न्याय यात्रा निकालने का हक नहीं। कांग्रेस पार्टी के राज में दलित और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ। और 9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का वक्त है। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कल 5 राज्यों को लेकर हुआ मंथन। आज शाम बिहार और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा। पीएम मोदी के असम दौरे के चलते टल सकती है 8 मार्च को होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक टलने से उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने में हो सकती है देरी। कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर करेगी विचार। सूत्रों के मुताबिक 100 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगा विचार। कांग्रेस घोषणा पत्र 5 अहम मुद्दों पर केंद्रित। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून सहित जातीय जनगणना कराने जैसे कई वादे कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणा पत्र युवा, महिला, गरीब और किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित। पार्टी पेपर लीक से निपटने और विकसित देशों की तर्ज पर युवाओं के लिए योजना की घोषणा संभव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा गया कांग्रेस घोषणा पत्र का मसौदा। समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने सौंपा ड्राफ्ट। खड़गे ने एक्स पर लिखा, अनुमोदन के लिए कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष रखा जाएगा। मुंबई में हुई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बैठक में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। प्रकाश अम्बेडकर की मांग की वजह से बैठक रही बेनतीजा। 9 मार्च को अगली बैठक। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश आंबेडकर की शर्त, 17 सीट उनकी पार्टी लड़े चुनाव। उद्धव और शरद पवार की पार्टी लिख कर दे कि चुनाव जीतने पर सांसद बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। कल बैठक बीच में छोड़कर चले गए प्रकाश आंबेडकर। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पूरी तरह तैयारी से नहीं आए थे, उम्मीद है साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बाबा साहेब के परिवार के। मीटिंग खत्म होने के बाद संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग का मामला करीब करीब तय। प्रकाश अंबेडकर के मुद्दे पर कहा, उनसे हमारी बहुत अच्छी बात हुई, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।